नमस्ते दोस्तों, आज मैंने यहाँ पर शिवजी के ऊपर दूध का अभिषेक हो रहा है, इस तरह का आवास हो ऐसा बैक फ्लो इंसेंस होल्डर बनाया है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। आपने कई बार अमेजोन या फ्लिपकार्ट साइट पर इस तरह के गणेश जी बुद्धा के स्टैचू के बैक फ्लो इंसेंस होल्डर आपने देखे, जिसमें ऊपर के साथ नीचे की तरफ से भी धूप में से धुआं निकलता है और वो नीचे जाता है। इससे बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है, आपका पूजा घर इससे बहुत ही सुंदर दिखेगा। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने इस तरह के शेप का एक प्लास्टिक का डब्बा लिया है, जिसे मैंने मार्क की हुई जगह पर काट लिया है और ऊपर से भी एक होल बनाया है, जिससे कि हमारा धूप का धुआं नीचे आ सके। और इसका बेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक प्लास्टिक की प्लेट ली है। ये प्लेट मुझे केक के साथ मिली थी, आप इसके जगह कार्डबोर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमें इस तरह से इस डब्बे को उस प्लेट के ऊपर फेविक्विक की सहायता से चिपका लेना है। यहाँ पर मैंने एक बाउल में फेविकॉल और पानी लिया है और कुछ टिश्यू पेपर काट करके लिए है। आप टिश्यू पेपर की जगह न्यूज़पेपर या कोई भी पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें फेविकॉल और पानी को अच्छे से मिक्स करके लेना है। हमने यहाँ पर समान मात्रा में फेविकॉल और पानी लिया है। अब हम एक एक करके इस टिश्यू पेपर को इस डब्बे के ऊपर और प्लेट के ऊपर लगाते जाएंगे। इससे हमारा बैक फ्लो इसेंस होल्डर थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनेगा और वो जगह से हिलेगा नहीं। आप इसकी जगह क्ले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप पूरी तरह से क्ले से इस डब्बे को और प्लेट को कोट कर सकते हैं। एक लेयर से ये काफ़ी मजबूत हो जाएगा, लेकिन आपको इससे ज़्यादा मजबूत चाहिए तो आप पेपर की 2 या 3 लेयर लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर पूरी तरह से इसे पेपर से कोट करके लिया है। अब हमें इसे सूखने देना है। इसे सूखने के लिए लगभग 2 घंटे लग जाएंगे। आप चाहे तो हेयर ड्रायर की हेल्प से इसे जल्दी से सुखा सकते हैं। पूरी तरह से सूखने के बाद हम इसे कलर कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर नीचे की प्लेट पर फेविकॉल लगा रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर रंगोली का इस्तेमाल करने वाली हूँ, जिससे कि एक अच्छा सा लॉन जैसा टेक्सचर और कलर हमें मिल सके। यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर की रंगोली अच्छे से बिछा ली है और इसे सूखने देना है। और इस तरह से हमें एक्स्ट्रा रंगोली को हटा देना है। जब रंगोली अच्छी तरह से सूख जाए, फिर हम ऊपर के हिस्से को कलर करेंगे। रंगोली को सूखने में 15-20 मिनट लगेंगे। 15-20 मिनट हो गए हैं, हमारी रंगोली अच्छी तरह से सूख गई है। अब हम ऊपर के हिस्से पे ब्राउन कलर लगाएंगे। मैं इसे गुफा जैसा लुक देना चाहती थी, इसलिए मैंने इस शेप का डिब्बा और ये कलर चूज़ किए हैं। आप चाहे तो स्क्वायर शेप का डिब्बा लेकर इसे मंदिर जैसा लुक दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने सारा कलर अच्छे से लगा लिया है। कलर सूखने के बाद हम इसे और डेकोरेट करेंगे। यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर का क्ले लिया है, जिसे मैंने इस तरह से शेप देकर इसे यहाँ पर चिपका लिया है। और अब हम इस पर पत्तियों जैसा शेप भी लगा लेंगे, जिससे कि हमारा बेल तैयार हो जाएगा। आप अपने मनचाहे तरीके से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने ये क्ले घर पर ही बनाया है। आप चाहे तो रेडीमेड क्ले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर व्हाइट कलर के क्ले से फ्लावर्स बनाए हैं, जिसे हम अच्छी तरह से अरेंज कर लेंगे। ये फ्लावर बनाना बिल्कुल आसान है। मैंने सिंपल व्हाइट कलर के 6 पेटल वाले फ्लावर बना लिए हैं और इसे बीच में ऑरेंज कलर के स्केच पेन से कलर कर लिया है। इसी तरह से हमें बाकी के फ्लावर और कलियाँ भी बनाकर इस बेल को अच्छे से सजा लिया है। अब हमने जो गुफा बनाई है, उसमें फेविकॉल के हेल्प से शिवलिंग को चिपका लेंगे। यहाँ पर मैंने क्ले का ही शिवलिंग बना लिया है और इसे चिपका लिया है। साथ ही मैंने येलो कलर के क्ले से इस तरह का एक शेप बना लिया है। मैंने इसे पेंट ब्रश के अराउंड ही शेप दिया है, ताकि इसके बीच में होल बना रहे, जिससे कि हम जो धूप लगाएंगे उसका धुआं इसके होते हुए नीचे आ सके। हमें इसे बिल्कुल उसी जगह पर चिपका देना है, जहाँ पर हमने इस डब्बे में होल बना लिया था। शिवलिंग को भी हमें उसके बिल्कुल नीचे ही रखना है, ताकि उसमें से जो धुआं आए वो सीधा शिवलिंग के ऊपर ही आकर गिरे। हमें इसे अच्छी तरह से सूखने देना है। हमारा इंसेंस होल्डर बहुत ही सुंदर बना है। आप चाहे तो इसमें आपके पसंद के अनुसार मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। हमारा इंसेंस होल्डर बिल्कुल तैयार है। अब हम देखते हैं कि इसके लिए हम धूप कैसे बना सकते हैं। इस तरह का धूप हमें रेडीमेड भी मिलता है, लेकिन आपके नज़दीकी स्टोर में अगर आप ये ना मिल पाए तो आप इसे आसानी से घर पर भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये सॉफ्ट धूप लिया है, जिसे गीला धूप भी कहते हैं। इसकी सिर्फ आधी स्टिक मैंने लिए है। इसे अच्छे तरह से रोल करके हमें इसको कोन जैसा शेप देना है।
हमें ध्यान रखना है कि इसमें क्रैक बिल्कुल ना आए, वरना धुआं आसपास से निकल जाएगा और अच्छी तरह से नीचे नहीं आ पाएगा। और इस तरह से पेंसिल के हेल्प से हमें इसके बीच में एक होल बना देना है। जितना अंदर तक हम होल बना सके उतने जल्दी ही धुआं नीचे से आना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखिए कि इसमें क्रैक बिल्कुल ना आए। हमारा बैक फ्लो इंसेंस कोन रेडी है, अब हम इसे जलाएंगे। ध्यान रखिए जितना हम अंदर तक इसके होल बनाएंगे उतनी ही जल्दी से इसके नीचे से धुआं आना स्टार्ट हो जाएगा। आप बीच तक ही होल बनाएंगे तो जब तक ऊपर का हिस्सा जलता नहीं तब तक इसमें नीचे से धुआं नहीं आएगा, और जितना बड़ा होल होगा उतनी ही तेज़ी से और ज़्यादा मात्रा में धुआं नीचे आएगा। इस तरह के कोन हमें मार्केट में रेडीमेड भी मिलते हैं जो कि मशीन मेड होते हैं, उससे बहुत तेज़ी से धुआं नीचे आता है। हमारे धूप में से नीचे से धुआं आना स्टार्ट हो गया है, अब हम इसे इंसेंस होल्डर पर रख देंगे। आप इस तरह से वाटरफॉल का भी इंसेंस होल्डर बना सकते हैं। अगर आपको वाटरफॉल या वाटर फाउंटेन इस तरह के डिज़ाइन का इंसेंस होल्डर बनाना सीखना है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम इसे जल्दी से जल्दी बनाकर पोस्ट करेंगे। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। देखिए हमारा इंसेंस कितनी अच्छी तरह से नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है। ये इसका नाइट व्यू है, यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग लाइट लगा ली है, ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।